आयुर्वेद में और मॉडर्न मेडिसिन दोनों में ही इस पॉइंट के बारे में वर्णन मिलता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। लेकिन हाँ, ऐसा हमारे आसपास कुछ लोगों में देखने को भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ लीन गर्भ या भूत हृत गर्भ, जिसे मॉडर्न मेडिसिन ब्लाइटेड ओवम के रूप में भी कहती है। इसमें लेडीज प्रेग्नेंट भी होती है लेकिन उसे बच्चे की प्राप्ति नहीं होती। उसके पेट में जायगोट फॉर्मेशन होता है लेकिन वो बच्चे में परिवर्तित नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, आइए इसे डिटेल में चर्चा करते हैं। इसमें स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है और स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने के बाद वो जायगोट में परिवर्तित होता है और वो जायगोट इम्प्लांट होता है और एम्ब्रियोनल सैक बनाता है। लेकिन एम्ब्रियो का यानी कि भ्रूण का यानी कि फीटस का निर्माण नहीं करता और यह थर्ड ट्राइमेस्टर तक वहीं पर रहता है और लेडीज़ के अंदर सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखते हैं। सारे सिम्टम्स मॉर्निंग सिकनेस, हाथ पैरों में कमजोरी, वीकनेस, इस प्रकार के सारे सिम्टम्स जो एक प्रेग्नेंट लेडी में होने चाहिए वो सारे इसमें दिखते हैं। लेकिन यही एम्ब्रियोनल सैक जिसके अंदर जायगोट है जो कि एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हो पाया है, इसको ही यूट्रस की बॉल एब्जॉर्ब कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो थर्ड ट्राइमेस्टर तक हमें एम्ब्रियोनल सैक दिखता है, लगता है कि हाँ फीटस डेवलप हो रहा है, बट कुछ समय बाद वहाँ पर हमें फीटस नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे किसी भूत ने या किसी भूत प्रेत या जादू या किसी टोने ने उस बच्चे को वहाँ से गायब कर दिया हो। इसी आधार पर आयुर्वेद में भूत हृत या उसको लीन गर्भ की संज्ञा भी दे दी गई है। ऐसा बहुत समय पहले भी होता था और आज इसे ब्लाइटेड ओवम के रूप में भी कह दिया गया है। इसमें गर्भिणी को अपनी दिनचर्या का ख्याल रखना चाहिए, अपनी आहारचर्या का ख्याल रखना चाहिए। आयुर्वेद कहता है जो स्त्री अपने भोजन का अच्छे तरीके से पालन नहीं करती, अच्छे तरीके से हेल्दी फ्रूट्स हेल्दी डाइट नहीं लेती, उन लेडीज़ में ये देखने को मिलता है। साथ में जो महिलाएं स्ट्रेस युक्त वातावरण में रहती हैं या उस समय बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट कर रही होती हैं लेकिन उनको उस हिसाब से डाइट नहीं मिल रही होती है, उन फीमेल्स को इससे गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सरिन शर्मा विदा लेता हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड।